नमस्कार, मैं हूं वसीम अकरम। हाजिर हूं मैं इस वक्त की सबसे बड़ी खबर के साथ सीआईबी इंडिया न्यूज पर। कौशाम्बी जिले में ट्रांसफार्मर का फ्यूज जोड़ते समय किसान वीरेंद्र सिंह 1100 लाइन की चपेट में आने से बुरी तरह से झुलस गया। परिवार के लोगों ने आनन फानन में वीरेंद्र को इलाज के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने वीरेंद्र को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मंझनपुर तहसील क्षेत्र के अमीन कपुरवा गांव में वीरेंद्र सिंह, जो कि पेशे से किसान है, अपने निजी नलकूप में लगे ट्रांसफार्मर का तार जोड़ रहे थे, तभी करंट की चपेट में आ गए, जिससे उनकी मौत हो गई। परिजनों का कहना है कि खेतों में पानी लगाना जरूरी था, ट्रांसफार्मर से लाइट खराब थी, जिसको लेकर कई बार लाइनमैन को बुलाने का प्रयास किया गया, लेकिन पैसों के लालच के चलते लाइनमैन नहीं आया। आरोप है कि लाइनमैन तार जोड़ने के बदले 300 रुपए से 500 रुपए तक लेते हैं, और जो किसान पैसे नहीं देता उसको बहाना बनाकर दौड़ाते रहते हैं। यही कारण है कि वीरेंद्र सिंह किसान मजबूर होकर खुद ही लाइन जोड़ने लगा, जिसके बाद यह हादसा हुआ। लाइनमैन पैसों की लालच में न आकर तार जोड़ देते तो शायद यह हादसा नहीं होता। वही विद्युत विभाग के एक्सीएन प्रदीप कुमार सोनकर का कहना है कि किसान खुद ही चलती लाइन में कटिया मार रहा था, 11000 लाइन की चपेट में आने से किसान की मौत हुई है। अमीनापुरा गांव में जो मामला है, जो हमने अपने जेई से पता किया है, तो हमारे जेई का साइट निरीक्षण करने के बाद ये कहना है कि सर वहां पर लाइन चालू थी हमारी 11 kV, और वो डबल पोल पे खड़ा होकर उसमें जो है कटिया लगा रहा था, जिस कारण उसको करंट लगा, उसकी मृत्यु हुई। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगी तो खबर को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही स्क्रीन पर दिख रही घंटी को दबाएं, ताकि आप तक हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशन पहुंचते रहें।